सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पाठ पढ़ रहे थे चार, बुद्धिमान वेल्दे। हमने इसकी गद्यांश पढ़ लिए, पूरा पाठ पढ़ लिया है। पाठ आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाठ का सारांश क्या था। इसमें एक सेठ जी होते हैं, क्या होते हैं, उनको खांसी हो जाती है, उनकी खांसी ठीक नहीं होती है, फिर वैद्य जी उनका इलाज करते हैं। तो वैद्य जी जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, उनको वो दही खाते रहते हैं सेठ जी, इसलिए उनकी खांसी ठीक नहीं होती है। और बाद में वैद्य जी क्या बताते हैं उन्हें कि खांसी खाने के तीन लाभ बताते हैं। क्या क्या लाभ बताते हैं उनको? तीन, घर में चोरी नहीं होगी, कुत्ता नहीं काटेगा, और थर्ड क्या बताते हैं वो, क्या बताते हैं आप बताओ मुझे। तीन बताए थे मैंने लाभ उनको। पहला बताया था मैंने आपको घर में चोरी नहीं होती, कुत्ता नहीं काटता, और कभी बुढ़ापा नहीं आता। तीनों करवाए थे आपको। और लास्ट में उनको वो समझाते हैं कि किस प्रकार से कुत्ता नहीं काटता है, घर में चोरी नहीं होती है, या बुढ़ापा नहीं आता है। तो सेठ जी डर के मारे क्या करते हैं, वो दही खाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उनकी खांसी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो हम इस पाठ के करेंगे आज शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। वैसे आपने स्टार्टिंग कर ली थी पाठ की, अगर नहीं तो अगर स्टार्टिंग करते तो हम पाठ का नाम भी लिखते हैं, पाठ संख्या भी लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो आज हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। शब्द और उसके साथ में आपको ये जो शब्द मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, वो आपको किताब में भी लिखना है। जैसे कि जिद्दी, वैसे मैं उस वक्त भी आपको बताया था जिद्दी शब्द आपको मिल गया होगा। जिद्दी का होगा जिद करने वाला, जिद करने वाला। चिंता, बद, परहेज, बद परहेज, जो परहेज ना रखता हो, जो परहेज मैं करता हूं, करता हूं। और इसे मैंने ये शब्दार्थ बहुत इजी भी है सारे, घर में होने वाला, घर में होने वाला। असर, असर,
प्रभाव। उत्सुकता, जानने की, कुछ जानने की इच्छा। कुछ जानने की इच्छा। आखिर मैंने ये शब्दार्थ ऐसे किए हैं, आपको पूरे ऐसे करने हैं, ठीक है? आप ऐसे नहीं करोगे, आपको पूरे ऐसे एक लाइन में एक शब्दार्थ करना है। ओके, अब हम करेंगे एमसीक्यू। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। आपको ये मेरे साथ अभी किताब में करने हैं, पेंसिल लेके रखोगे और किताब के अंदर आपको अभी करने हैं। सेठ कैसा आदमी था? सेठ कैसा आदमी था? सेठ कैसा आदमी था? तो एमसी क्वेश्चन है ये आपके, आपको पता होगा कि इसमें क्या आना चाहिए, पता है? तीनों ऑप्शन में आपके बोलती हूँ, आप बताओ कि इसमें क्या आएगा। पहला मैं बोल रही हूँ, बहुत जिद्दी और बद परहेज था क्या सेठ जैसा, या फिर वो बहुत विनम्र था, ये थर्ड पॉइंट है, वो समझदार था। क्या था सेठ जी? बहुत जिद्दी और बद परहेज था। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारा क्या है? बहुत जिद्दी जिद्दी और बद परहेज, माने जो परहेज न करता हो। ये हमारे इसमें सही। सेकंड, सेठ की खांसी क्यों बढ़ती जाती थी? सेठ की खांसी जाती थी? सेठ की खांसी क्यों बढ़ती जाती थी?
सेठ की खांसी खांसी क्यों फट रही थी इतनी, क्यों बढ़ रही थी, वो किस कारण से बढ़ रही थी? तो पहला ऑप्शन हमारा हुक्का पीने के कारण, सेकंड है हलवा खाने के कारण, थर्ड है दही खाने के कारण। उसकी खांसी क्यों बढ़ती जा रही थी? अब कुछ पाठ पढ़ा आपने, क्या आएगा इसमें राइट ऑप्शन आएगा खैर, दही खाने के कारण, दही खाने के कारण, इसीलिए बढ़ रही थी ना सिर की खांसी, क्योंकि उसने दही खाना नहीं छोड़ा था। और जब खांसी में दही खाओगे तो खांसी ठीक कैसे होगी? नहीं होगी ना खांसी ठीक, इसीलिए सेठ की खांसी बढ़ती ही जा रही थी। थर्ड पॉइंट, सेठ ने दही खाना क्यों छोड़ दिया? सेठ ने दही खाना खानी नहीं होता है, दही खाना सेठ ने दही खाना क्यों छोड़ दिया? सेठ ने दही खाना क्यों छोड़ दिया? सेठ ने दही खाना क्यों छोड़ दिया था ना लास्ट में उसने, तो क्यों छोड़ दिया था उसने दही खाना, क्यों छोड़ दिया था? जब वैद्य जी ने उसको उसके तीन लाभ बताए थे ना दही के, तो वो दही के लाभ को समझाया था, तब वैद्य जी ने उसको समझाया था ना कि भाई आपके घर में चोरी नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, आप पूरी रात खांसते रहोगे तो चोर कैसे आएगा। सेकंड क्या बताया था, कुत्ता नहीं काटेगा क्योंकि आप के हाथ में लाठी रहेगी, आप इतने कमजोर हो जाओगे तो आप कुत्ते को लाठी से भगा सकते हो। थर्ड बताया था आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको इतनी खांसी हो रही है तो आप तो जवानी में ही चले जाओगे, जवानी ही पूरी नहीं रह सकते हो। तो इस डर से दही ने सेठ ने दही खाना क्यों छोड़ दिया? तो उसने मौत के डर से, इसके डर से मौत के डर से, दूध की कमी के कारण या फिर खराब लगने के कारण या मौत के डर से, तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें? मौत के डर से। माउथ के डर से ये हमारे तीनों हो गए हैं सही उत्तर पर, सही का निशान लगा। तो हमारे शब्दार्थ भी हो गए हैं और ये भी हो गए हैं। अब मैं इनका एक बार दोहराहन कर देती हूँ आपके पास, आप लोग भी इसको या आपने अपनी किताब में टिक लगा ली होगी, इनके तीनों की टिक लगा लेना किताब में, ये नहीं कि आप किताब में टिक ना लगाओ, तो आपको किताब में टिक लगाने हैं और जो शब्दार्थ है वो आपको अपनी किताब के अंदर फिल करने, हमेशा करते हो ना उसी प्रकार से, ठीक है। अब मैं एक बार इनका दोहरान कर देती हूँ आपके पास में। हमारे शब्दार्थ थे जिद्दी, जिद करने वाला, फिक्र, फिक्र के नीचे डॉट लगी हुई ना, इसका मतलब ये उर्दू वर्ड है, फिक्र चिंता, बद परहेज, अगर चिंता पे आप अनुस्वार नहीं लगाओगे तो क्या बन जाएगा? चिता, तो चिंता पे आपको ऊपर अनुस्वार आएगा। बद परहेज, जो परहेज न करता हो, घरेलू, घर में होने वाला, घर में जो चीज होती है उसको बोलते हैं अपन घरेलू। असर, प्रभाव, उत्सुकता, कुछ जानने की इच्छा, आखिर अंत। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। सेठ कैसा आदमी था? तो सेठ कैसा आदमी था? बहुत जिद्दी और बद परहेज आदमी था। सेठ की खांसी क्यों बढ़ती जाती थी? क्योंकि वो दही खाने नहीं छोड़ रहा था, तो दही खाने के कारण। सेठ ने दही खाना क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया था सेठ ने दही खाना? क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उसको वैद्य ने समझाया था ना कि तुम्हें तो जवानी पूरी नहीं दे पाओगे, तो मौत के डर से सेठ जी ने दही खाना छोड़ दिया।
ओके, तो ये वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।